सुजू टेकाम वहाँ सर्व आदिवासी समाज के लीडर हैं, वो अभी कुछ बात रखेंगे। अब थोड़ा आगे इलगेर में बताऊं, वहाँ जो गर्भवती महिला को भी गोली मार दी और बोलते हाँ, जब विरोध कर रहे थे भाई ग्राम सभा का प्रस्ताव, वहाँ पे मालिकाना भूमि जो जहाँ पे किसानी होती थी वहाँ पे जबरदस्ती कैंप खोल रहे हैं, तो उसका विरोध हुआ। मैं एक मिनट क्लैरिफाई कर दूँ एक चीज, हाँ। आपके परमिशन से मैं मिला रघु से, सुजू टेकाम से और बाकी साथियों से सिलगेर में। एक बार यदि आप परिचय के साथ, मैं डॉक्टर सरोज गिरी हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे मेरा प्राइमरी जो यहाँ पे अभी आए हैं, यहाँ एज अ हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के साथ खड़े रहने के लिए मैं आया, क्योंकि मैं इनसे मिला था सिलगेर में और बेसाघाट में। और सिलगेर और बेसाघाट का आंदोलन जो चल रहा है वो मूलवासी बचाओ मंच के तरफ से चल रहा है। मूलवासी बचाओ मंच क्या है, बहुत सारे ऐसा आदिवासी मूलवासी का प्लेटफॉर्म है, लेकिन मूलवासी बचाओ मंच एक ऐसा मांग से के से पैदा हुआ जो आदिवासी का सिर्फ संस्कृति को लेकर नहीं बल्कि उनका अस्तित्व, जो उनका जो जल जंगल जमीन जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से जो उच्छेद हो रहा था उसको रोकने के लिए इन्होंने ये मूलवासी बचाओ मंच बनाया। और जो सिलगेर में जो आंदोलन बहुत बड़ा, जैसे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था उसी लेवल का इतना बड़ा आंदोलन और बल्कि उसी टाइम चल रहा था, और जो सिलगेर में जो हो रहा है वो पुलिस कैंप बन रहा है, सीआरपीएफ का कैंप, जो जनता का जो जमीन है उसको हड़प के जोर जबरदस्ती बनाया जाता है। और जैसे वो कैंप बनता है, कैंप बनता है बहुत बड़ा छावनी आपका बिल्कुल नेबरहुड में बन रहा है, आपके बिल्कुल जहाँ रह रहे हैं वहीं बन रहा है और वो किसी को भी पसंद नहीं आता है ना, तो और वो इनसे जमीन छीन के बनाया जाता है और वो बनने के बाद तुरंत वहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू हो जाता है। जो आदिवासी भाई लोग जो जंगल जाते हैं तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए, वो जंगल में उनका जनजीवन ही जंगल के साथ जुड़ा हुआ है, उनको परेशान करना, उनको अरेस्ट करना और उनको फर्जी मुठभेड़ में उसको खत्म कर देना, तो ये जो कैंप जो बन रहा है ये बड़े लेवल पे बन रहा है और इसका नाम है ऑपरेशन समाधान प्रहार, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर से बन रहा है। और बड़ा बड़ा रोड बनाया जा रहा है, आप सोचेंगे कि भाई रोड का विरोध क्यों करेगा कोई, रोड तो अच्छी बात है, वो तो विकास का प्रक्रिया है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा रोड, आपका जैसे दिल्ली में रोड है इतना बड़ा बड़ा रोड, और उस रोड में क्या चलेगा, आदिवासी के पास तो मुश्किल से एक आध बाइक और कुछ साइकिल है, तो इतना बड़ा रोड क्यों, किसके लिए बनाया जा रहा है, इसको सोचने वाली बात। लेकिन तो ये जो रोड है ये बनाया जाता है बड़े बड़े डंपर जो माइनिंग खदानों में वहां से खदान निकालने के लिए, और बड़े बड़े जो मिलिट्री का आर्म्ड जो इसे आपका गलवान में है, जैसे आपका चाइना बॉर्डर में है, वैसा ही एक गुप्त बॉर्डर इन्होंने बस्तर में बनाया है। और मुझे लगता है कि गलवान में चाइनीज सेनाओं के साथ जिस शक्ति से ये भारत के सिक्योरिटी फोर्स उन पे प्रहार करते हैं, उससे ज्यादा यहाँ आदिवासियों के ऊपर प्रहार है। गलवान का गुस्सा इधर आदिवासी पे निकाला जाता है, ऐसा लगता है कि आप वहां जाएंगे तो बिल्कुल मिलिटराइज्ड जोन है। तो ये जो मिलिटराइजेशन, सैन्यकरण और कॉरपोरेटाइजेशन, बड़े बड़े कंपनी जो वहाँ पूरा सब कुछ जल जंगल जमीन और जो खदानों से जो खदान निकाला जा रहा है बिना आदिवासियों को कुछ हिस्सा दिए, इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और वो गांव-गांव जंगल जंगल से वो निकला। और उसके चलते इन्होंने एक फायरिंग जब हुआ वहाँ पे, फायरिंग में 3-4 लोग मारे गए सिलगेर में और वो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया, और वो जब फायरिंग का 1 साल हुआ था तब इन्होंने प्रोग्राम किया था, तो हम दिल्ली से गए थे और एक कुछ साथी भी गए थे, तो हम लोगों ने रिपोर्ट भी बनाया कि सिलगेर के आंदोलन को लेके। तो उसी ढंग से वो जो आंदोलन ने वो सड़क को बनाने नहीं दिया और वो जो कैंप जो बन रहा था उसके विरोध में था और लोग शहीद हुए, बहुत लोग मारे गए। वैसे ही बेसाघाट जो दूसरा स्पॉट है, आप बोल रहे थे ना कहाँ कहाँ आंदोलन हो रहा है, बेसाघाट दूसरा एरिया है बस्तर के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, वहाँ एक चल रहा है, लगातार आप बोल रहे हैं और उससे जाहिर भी हो रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सरकार हमेशा से ये कहती आ रही है कि आप लोग मतलब आदिवासी जो है वो अवैध कब्जा जो है, उन्होंने अवैध कब्जा जमाया हुआ है जमीनों पर और उस पर गलत कुछ नहीं, बिल्कुल कहना चाहूँगा अवैध कब्जा क्या, वो तो वहीं बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वहीं पैदा हुए हैं।
एक साथ कीजिए, हम लोग एक ही टीम है, एक साथ कीजिए। सूरज भाई आइए इधर, इधर आइए, ये रघु है। रघु वहाँ का बहुत ही बड़ा युवा लीडर है और पूरा सिलगेर के आंदोलन इन्होंने थामा रखा है। अच्छा। और रघु एक बहुत ही कर्मठ एक कार्यकर्ता है। हाँ। इन सभी बात कीजिए। रघु आप बताओ, हाँ, कि जिस तरीके से सरकार ये आरोप लगा रही है कि आदिवासी अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं जमीन पे, चाहे वो जमीन की बात हो या फिर वहाँ के खनिज चीजों की बात हो, ये तो सही है सर। हम लोग जैसा बस्तर के जो हरा भरा जंगल है वहाँ पे अभी फिलहाल कुछ दिन, जैसा 14-15 तारीख को एक 14 नंबर और 4 नंबर जो डिपॉजिट है, बैला डीला जो माइनिंग है, वो ऑल इंडिया के नाम से सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो उसमें फिर से जैसा बिना ग्राम सभा का है और वहाँ जन चुनाई के लिए भी चल रहा था, तो उसको पूरा हम रद्द कर दिए हैं। ऐसा बस्तर में अनेक प्रकार बहुत सारे पहाड़ है, तो सबसे ज़्यादा सैनिकारण और कॉरपोरेटी कारण वजह हुई है कि वहाँ पे कैंप और सैनिकारण भेजना और वहाँ के आदिवासियों को। और दूसरी बात है सर, 5 बार हो गया हमारे बस्तर में ड्रोन हमला, बम फेंकना, ये मतलब बस्तर को जो खाली करने की साजिश है सरकार का। तो ये ड्रोन हमला और कैंप लगातार 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर डालना वही है। लेकिन आप इस सवाल से नहीं बच सकते कि जिस तरीके से नक्सलियों का एक प्रभाव रहा, चाहे वो बस्तर की बात आप कर रहे हैं या अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो तमाम ऐसे जगहों पर तो इसका रहा है ना, नक्सलियों का प्रभाव रहा है। नहीं देखिए, हाँ, नक्सली के ये या नहीं या वो तो बंदूक से लड़ने वाले, हम तो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई, जो अस्मिता को बचाने के लिए और आने वाले जो पीढ़ी है तो उन लोग को बचाने के लिए, जैसे 2006 से 2012 तक कंटिन्यू हमारे आदिवासियों को एक सलवा जुड़म नाम से आदिवासियों को बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, एक दिन में 20-25 लोग तो कंटिन्यू मारे, तो उसके खिलाफ में हम लोग अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में डाले हैं कि ये निर्दोष थे, अब पूरा वो निर्दोष है और ये सब हाई कोर्ट में साजिश होने के बाद। आप मुझे थोड़ा आंदोलन के बारे में बताइए कि आप जिस जगह पे आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर क्या सपोर्ट मिल रहा है और कौन कौन से पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको मिल रहा है क्या या नहीं मिल रहा है? नहीं, सपोर्ट मतलब जितने भी हो जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बाहर से, जैसे मानवाधिकार से लेकर पत्रकार बुद्धिजीवी, सब समर्थन दे रहे, जाते भी पहुँचते भी। और जैसा आंदोलन तो बस्तर में 40 जगह चल रहा था, 40-42 जगह, उसमें से अभी 32 जगह में चल रहा है। जैसे ये जो चिलंगेर आंदोलन, ये जो दिल्ली किसान आंदोलन के साथ साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ लोग वहाँ समर्थन देने भी गए थे और अभी भी चल रहा हो, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो मतलब शांति नहीं मिलेगी।